हाय फ्रेंड्स, आज का जो करंट इवेंट्स का जो नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस पे हमारे जो वीडियोस हमने फोटोग्राफ्स के साथ शेयर किए हैं आपको, तो आपको समझने में आसानी होगी। और इसको आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम्स में आने के 100% चांसेस हैं। मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इंडिया इज बीइंग अलाउड टू कंस्ट्रक्ट विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बाई वर्ल्ड बैंक इन अगस्त 2017। तो इंडिया जो है कि दो हाइड्रो पावर प्लांट जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है, वर्ल्ड बैंक ने परमिशन दे दी है उन प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो चार ऑप्शन दिया है, पहला है किसिन गंगा, दूसरा है रेटल एंड तीसरा है बैन गंगा एंड चौथा है बोथ ए एंड बी। तो हमने आपने देखो पिक्चर में दिखाया है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत दो प्रोजेक्ट जो है, किसिन गंगा प्रोजेक्ट एंड दूसरा है रेटल प्रोजेक्ट। और इसमें क्या है कि इंडिया परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट किसिन गंगा एंड रेटल प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक ने परमिशन दी है इंडिया को। हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें तो इसका करेक्ट आंसर ए एंड बी है, किसिन गंगा एंड रेटल। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा आसान होगा आपको समझने में कि इंडिया इज अलाउड टू कंस्ट्रक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटीज ऑन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द झेलम एंड चेनाब रिवर्स With certain restrictions under the 1960 Indus Water Treaty, IWT, जो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को अलाउ करा है कि झेलम और चेनाब रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके ऊपर अपना किसन गंगा प्रोजेक्ट और रेटल प्रोजेक्ट हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द वर्ल्ड बैंक हैज सेड पाकिस्तान अपोजेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द किसिन गंगा जिसकी कैपेसिटी है 330 मेगावाट्स एंड रेटल जिसकी है 850 मेगावाट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बीइंग बिल्ट बाय इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो है अब जो कि 330 मेगावाट का किसिन गंगा और रेटल जो है 850 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो इंडिया अब JNK में इसका इसको बिल्ड करेगा। हम बता देते हैं कि जो IWT है जिसे कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में साइन हुई थी और 9 ईयर्स नेगोशिएशन, 9 सालों तक इस पर डिस्कशन चला था इंडिया एंड पाकिस्तान का विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो विच इज ऑल्सो अ सिग्नेटरी। तो वर्ल्ड बैंक इसका सिग्नेटरी, उसने भी साइन किया इस डॉक्यूमेंट पे। तो कहने का मतलब IWT जो 1960 में साइन हुआ था उसमें वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी एक तरीके से, और उसमें इंडिया एंड पाकिस्तान का 9 साल का डायलॉग चलने के बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो आप हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि हम अपना किसन गंगा और रेटल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ। अगला सवाल है, नेस्कॉम हैज जस्ट अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट। हमने आपको पिक्चर्स में दिखाया है कि देवजानी घोष सेट टू बी द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेस्कॉम। कहने का मतलब है अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो हमने चार ऑप्शन दिए हैं, पहला है अनु आगा, दूसरा है इंदिरा नुई, तीसरा है देवजानी घोष एंड चौथा है चंदा कोचर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है देवजानी घोष। तो कहने का मतलब है नेस्कॉम को पहली लेडी प्रेसिडेंट मिली है नेस्कॉम के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि नेस्कॉम की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन है, तो आपका सवाल यही है कि नेस्कॉम का जो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट है वो है देवजानी घोष। और नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है, उसका है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगला सवाल है, विच फोर नेशंस हेल्ड देयर फर्स्ट ऑफिशियल लेवल टॉक्स टू कीप द इंडो पैसिफिक रीजन इंक्लूसिव। आपने देखे लेफ्ट साइड में आपको चार ऑप्शन दिए हैं, तो आप चार ऑप्शन को देख सकते हो, पर हम आपको थोड़ा समझाते हैं कि इंडिया पैसिफिक रीजन क्या है और ये इसका जिक्र क्यों हुआ। तो इंडो पैसिफिक रीजन हमने देखो जैसे आपको फोटो पिक्चर्स में दिखाया है कि एक सर्किल के अंदर आपको नोट किया, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये रीजन जो है इंडो पैसिफिक रीजन है। इस रीजन को करने के लिए इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने पहली बार एक तरीके से डिस्कशन किया है चारों ने आपस में मिल करके कि इंडो पैसिफिक एक सहयोग बढ़ाने के लिए। आखिर में इस चारों कंट्री को इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो अभी आपको बता देते हैं कि जो टर्म यूज किया गया है इंडो पैसिफिक, वो ट्रंप ने यूज किया है, डोनाल्ड ट्रंप जो USA के प्रेसिडेंट है,
और उन्होंने ये इसलिए किया है कि उनको एक एक अंदाजा है, स्पेकुलेशन मतलब अंदाजा है कि दैट इट मे हैव समथिंग टू डू विद वॉशिंगटन प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर अ रिवाइवल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल अलायंस बिटवीन द यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टू काउंटर चाइना राइज। इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है कि इंडिया पैसिफिक रीजन में जो चाइना की पावर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, उससे क्या है एशियन कंट्रीज पर जो चाइना का दबाव वो बढ़ता जा रहा है। तो चाइना का जो डोमिनेंस लाइक उनका जो एक अपना पावर है इट लाइक एशियन कंट्रीज में या जो लाइक ईस्टर्न जो कंट्रीज के अंदर है, वो उस दबाव में अगर चाइना का एक पावर काफ़ी एक्सट्रीम पहुंच गया तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज लाइक हमारी जितनी यूएसए हैं वगैरह है तो उनका हमारे इन पे होल्ड कम हो जाएगा। तो यूएसए ने बेसिकली एक इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन लाइंस बना करके ये कोशिश की है कि हम इंडिया को ले साथ में, उधर हम जापान को ले, ऑस्ट्रेलिया को ले, उधर यूएसए से, तो एक इस तरह का सर्किल क्रिएट किया जाए जिससे हम चाइना को चारों तरफ से एक दबाव डाल सकें और उसकी पावर को उतना राइज ना होने दें जिससे वो इन कंट्रीज के लिए आगे चल के खतरा बन जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहले तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो टर्म है इंडो पैसिफिक का किसने दिया है, तो आपको आना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। और इंडो पैसिफिक बनाने का पर्पस क्या है, क्यों इस कोऑपरेशन की जरूरत पड़ी, तो उस कोऑपरेशन की जरूरत पड़ी कि चाइना की जो पावर राइज हो रही है उसको काउंटर करने के लिए। और ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने पहली बार डिस्कशन किया है, मतलब स्क्वाड जो है उनका ग्रुप ऑफ स्क्वाड ने बातचीत की है इंडो स्पेसिफिक रीजन के ऊपर, तो वो चार कंट्री कौन है, तो आपको मैंने बता दिया कि इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द बोर्ड ऑफ विच रोडवेज ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ भारत माला प्रोजेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि भारतमाला परियोजना आपने सुना है कि बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, मैंने आपको फोटोग्राफ्स में दिखाया, इसका पर्पज ही है कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का रोड कंस्ट्रक्शन बना देना जिससे हमारे देश की मतलब पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी एक तरीके से पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। तो हमने आपको चार ऑप्शन दिए हैं, पहला है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है ब्रो, तीसरा है GREF सेंटर एंड चौथा है ANP। तो करेक्ट आंसर है ए, NHAI नेशनल अथॉरिटी ऑफ लाइक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पर्पस ये था कि रोडवेज को भारतमाला प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी जो डिस्टेंस है करीबन 83,677 किलोमीटर हाईवेज बनाना है ओवर द नेक्स्ट 5 सालों में, और इसमें जो लागत आएगी वो करीबन 7 लाख करोड़ रुपए आएगी। तो आप समझ सकते हो, इसी से आपको अंदाजा लगा सकते हो कि जिस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का 7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहा है वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, और इसीलिए इसको भारत माला प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है। इस तरह का प्रोजेक्ट अभी तक कभी भी भारत में नहीं आया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछ देते हैं कि भारत माला प्रोजेक्ट को, रोड प्रोजेक्ट को जो है कौन सी बॉडी इसको लाइक रोडवेज को इम्प्लीमेंटेशन में मदद करेगी, तो आपको आना चाहिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। दूसरा पूछ सकते हैं कि भारत माला प्रोजेक्ट के अंदर नेक्स्ट 5 ईयर में कितने किलोमीटर तक रोड बनाने का प्रोविजन है, तो आपको आना चाहिए 83,670 किलोमीटर तक। तीसरा आपसे पूछ सकते हैं इसमें कितनी लागत लगने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए 7 लाख करोड़ रुपया इस पे खर्च होने वाला है। अगला सवाल देखते हैं। विच इंडियन सिटी इज द फर्स्ट टू मेक इट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आखिर में ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली इंडियन सिटी है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आई है। हमने देखो चार ऑप्शन दिए, पहला है कोलकाता, दूसरा दिल्ली, तीसरा है चेन्नई एंड चौथा है वैलिड सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर है वेल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद। हमने आपको राइट साइड में इसका पिक्चर दिखाया है, द वेल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद रीब्रांडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, ये करीबन 600 साल पुरानी सिटी है। हम इसको थोड़ा सा बताते हैं कि यूनाइटेड नेशनल जो एक कल्चरल एजेंसी है जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं, उसने डिक्लेयर किया 600 साल पुरानी वेल्ड सिटी ऑफ
अहमदाबाद एज द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, पहली इंडियन सिटी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। अगर देखा जाए सिटीज के मामले में तो 287 वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड के अंदर है, पर द ओनली सिटीज इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट विच इन द स्टेटस ऑफ। सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंट में जो 7 कंट्रीज आती हैं उसमें से 2 ही सिटी है जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में आती है। इंडिया में तो आपको बता दी मैंने जो पहली सिटी बनती है वो वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद है। इसी तरह श्रीलंका जो इन सब कॉन्टिनेंट है उसमें श्रीलंका है, पाकिस्तान है, आपका नेपाल है, भूटान है, तो इसके अंदर 2 सिटीज और भी हैं जो कि है भगतपुरा नेपाल के अंदर, गालेन श्रीलंका। तो गालेन श्रीलंका एंड भक्तपुरा इन नेपाल। तो भक्तपुरा जो है वो नेपाल के अंदर है और गालेन श्रीलंका है। ये 2 सिटी जो है वो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती हैं। तो ये आईएएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला तो आपसे सवाल सीधे से पूछ सकते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पहली इंडियन सिटी कौन है जो अभी की अभी 2017 में डिक्लेयर हुई है, तो आपको सीधा सवाल देना है वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद। अगर आपसे पूछते हैं कि इंडिया के अलावा सब कॉन्टिनेंट में कितनी और कंट्री कौन सिटीज हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती हैं, तो आपको इसके अलावा 2 और है तो टोटल 3 हो गई हैं। और अगर आपसे पूछते हैं कि नेपाल और श्रीलंका की पूछते हैं तो नेपाल की आपको बतानी है भक्तपुरा और श्रीलंका की बतानी है केले। और अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर इसमें आता है तो आपको 287 वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज को याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के फर्दर वीडियोस को देखने के लिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे वो प्रॉपर डिटेल के साथ मिलेंगे। मेरा पर्पस है कि आपको चीज़ें याद नहीं कराई जाएं, आपको चीज़ें समझाई जाएं, जिससे आपको कई सालों तक वो आपके आपके पास रहेंगे और आप दूसरों को उसी तरह समझा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।